अरे सभी को एक सवाल आया था मेरे पास में कि अगर स्वप्न में हमको गोपाल जी खंडित रूप में दिखाई देते हैं तो उसका संकेत होता क्या है। तो देखिए, जब हम अपने ठाकुर जी को अपने घर में लाते हैं, स्वयं हम ठाकुर जी के विग्रह को नहीं लाते, हम स्वयं ठाकुर जी को लेकर आते हैं। और जब हम उनको घर पर लाते हैं तो हमसे ज़्यादा हक उनका हो जाता है उस घर पर, हमें वो अपने परिवार का हिस्सा मान लेते हैं और हम भी अपने घर का उनको सदस्य मान लेते हैं ठाकुर जी को। उसके बाद में अगर हमारे परिवार पर कोई भी संकट आने वाला था है, कोई भी दिक्कत आने वाली होती है, तो हमारे जो ठाकुर जी हैं वो सारे जो भी परेशानी आने वाली होती है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इसीलिए स्वप्न में अगर हमें ठाकुर जी खंडित रूप में दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला था जो ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया है। आपको जैसे ठाकुर जी दिखाई दे कि खो गए हैं या खंडित हो गए हैं, किसी ने चुरा लिए हैं या वो घर छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला था वो ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया है। तो कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, ठाकुर जी हमको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं तो वो हमारे ऊपर कोई भी संकट नहीं आने देते हैं। और अपने लाला से बेहद ज़्यादा प्रेम करें और बहुत ज़्यादा लाड करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।